नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच। लैंग्वेज की तरह नहीं यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है अंग्रेज़ों ने फ्रेंच, फ्रांसीसी जो थे उनको हरा दिया है। ठीक, तो इसलिए दोनों के आगे द अप्लाई करेंगे, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, तो क्या बन जाएगा इसका मतलब? आप ये हो गया नेशंस, ये राष्ट्र बन गए, इंग्लिश राष्ट्र ने फ्रेंच राष्ट्र को हरा दिया, द अप्लाई किया। नेक्स्ट, आई बॉट काउ बफेलो ऑक्स, मैंने गाय भैंस और बैल खरीदा, तो आ या एन लगाएंगे, तो काउ के आगे आ, बफेलो के आगे आ और ऑक्स के आगे एन। आई बॉट अ काउ आ बफेलो एंड एन एक्स ऑक्स सॉरी। नेक्स्ट, अंडमान्स आर ग्रुप ऑफ आइसलैंड आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। अंडमान्स ये क्या है, नाम है, यूनिक है ना, तो द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप है आइलैंड्स का इन द बे ऑफ बंगाल। द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, आई मेट एन ऑनरेबल मैन, आई मेट एन ऑनरेबल मैन एन आर एगो, दोनों एच हैं लेकिन दोनों के एच साइलेंट हैं, वोवेल साउंड आ रहा है तो एन लगाएंगे, एन ऑनरेबल मैन एन आर एगो। गंगा और हिमालय दोनों प्रॉपर नाउन यूनिक, तो द लगाएंगे, द गंगा राइजेज इन द हिमालयाज। नेक्स्ट, ईयर एगो आई विजिटेड आइसलैंड आइलैंड, तो अ ईयर एगो एक साल पहले, अ ईयर एगो एक साल पहले आई विजिटेड एन आइलैंड, मैं एक आइलैंड गया, एन आइलैंड। ओके, ही इज क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो द अप्लाई करेंगे, ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास का सबसे चालाक चतुर बच्चा है। लॉयन इज किंग ऑफ बीस्ट, तो शेर जंगल का राजा होता है, कौन सा शेर, ग्रुप की बात हो रही क्लास की, तो द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट, जानवरों का राजा होता है। नेक्स्ट, राइजेज इन ईस्ट, क्या उगता है ईस्ट में, सन, सन के आगे द, द सन और ईस्ट डायरेक्शन है उसके आगे भी द, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट, ऑनेस्ट मैन नोबलेस्ट वर्क, ऑनेस्ट एच साइलेंट है, वोवेल है, साउंड सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो एन लगेगा, एन ऑनेस्ट मैन इज नोबलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, द एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। नेक्स्ट, ही इज यूरोपियन, यूरोपियन के आगे एन नहीं लगता, ए लगता है, तो ही इज अ यूरोपियन बट हिज वाइफ इज एन इंडियन, एन इंडियन। नेक्स्ट, रामायण इज होली बुक ऑफ हिंदूज, तो द रामायण इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज, द रामायण इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। नेक्स्ट, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है इंग्लैंड के लोगों की, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज है, एक भाषा है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोगों की, जब लोगों का ग्रुप है तो द, तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट, द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेंस इन द वर्ल्ड, द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेंस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, यस्टरडे आई सॉ अ वन आइड मैन, वोवेल है लेकिन बोला कॉन्सोनेंट जा रहा है, तो यस्टरडे आई सॉ अ वन आइड मैन राइडिंग ऑन एन एस, एक गधे पर राइड कर रहा हुआ, एन आइस एस, यस्टरडे आई सॉ अ वन आइड मैन राइडिंग ऑन एन एस।
ताजमहल इज द फाइनेस्ट टॉम्ब इन द वर्ल्ड। ताजमहल यूनिक इसलिए द, फाइनेस्ट सुपरलेटिव इसलिए द, और वर्ल्ड यूनिक। द ताजमहल इज द फाइनेस्ट टॉम्ब इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, देयर इज होटल इन सेंटर ऑफ टाउन। देयर इज अ होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है दैट इज री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंसर्टिंग आर ओमिटिंग आर्टिकल्स वेर एवर नेसेसरी। या तो लगाने हैं या ओमिट करने हैं, हटाने हैं हमें आर्टिकल्स जहाँ पर जरूरी लगे। पहला सेंटेंस है लॉयन एंड लेपर्ड बिलोंग टू कैट फैमिली। अब लॉयन और लेपर्ड दोनों कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो लेकिन दोनों अलग अलग हैं कि नहीं। द लॉयन एंड द लेपर्ड मतलब सारे लॉयन और सारे लेपर्ड, तो द लॉयन एंड द लेपर्ड बिलोंग टू द कैट फैमिली। नेक्स्ट, द आयरन इज यूजफुल मेटल। आयरन मेटल का नाम है लेकिन कौन सा आयरन? नहीं, यहाँ पर द आयरन नहीं होगा, ये एक कॉमन नाउन है। आयरन इज यूजफुल, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, आयरन एक यूजफुल मेटल है। द विजडम इज बेटर देन द रिचेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। विजडम और रिचेस तो दोनों के द हट जाएंगे। विजडम इज बेटर देन रिचेस, बुद्धि संपत्ति से ज़्यादा श्रेयस्कर होती है। विच आर नॉट रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। रिच क्लास की बात है, तो द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। नेक्स्ट, द संडे इज फर्स्ट डे ऑफ वीक। तो संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। द संडे का, संडे का द हटेगा, संडे इज द फर्स्ट वीक, सॉरी संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक। हफ्ते का पहला दिन होता है सबसे पहला, फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। ज्यूज डू नॉट वर्शिप द फायर। ज्यूज डू नॉट वर्शिप द फायर, ज्यू लोग जो होते हैं यहूदी, वो फायर की पूजा नहीं करते हैं। तो ज्यूज रिलीजन, रिलीजन जैसे हिंदू मुस्लिम था, क्रिश्चियनिटी था, सबके आगे दा लगता था, तो द ज्यूज डू नॉट वर्शिप फायर, फायर के आगे दा नहीं लगेगा। द ज्यूज डू नॉट वर्शिप द फायर का द हट जाएगा, वर्शिप फायर। फिर द दिसंबर इज लास्ट मंथ ऑफ ईयर, फिर दिसंबर के आगे द नहीं लगेगा, दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ ईयर, दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ऑफ ईयर। ये हो गई एक्सरसाइज, को कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, okay?